वेलकम बैक टू नाइटिंग नर्सिंग एकेडमी। आज मैं आपके लिए फिर से यहाँ पे न्यू अपडेट लेके आ गई हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कार्यालय मुख्य चिकित्सालय स्वास्थ्य अधिकारी भरतपुर की तरह यहाँ पे पूरी अपडेट आ चुकी है। तो मैं आपको बताऊँगी पूरी अपडेट, तो बने रही वीडियो के एंड तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे दिए गए जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आपको सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे क्लिक करना है ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच सके। क्योंकि इस चैनल पे चाहे वो CHO की वैकेंसी हो या फिर स्टाफ नर्स की वैकेंसी हो या फिर ESIC की वैकेंसी हो, ऑल डिटेल इस चैनल के थ्रू आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको चैनल पे बने रहना है। तो यहाँ पर हम चलेंगे पूरी अपडेट की ओर। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कोविड हेल्थ कंसल्टेंट की यहाँ पर वैकेंसी है। ठीक है, 35 जो वैकेंसी यहाँ पे रही, फिर कोविड स्वास्थ्य सहायक की यहाँ पे वैकेंसी रहेगी, जिसमें BSc नर्सिंग GNM दोनों अप्लाई कर सकते हैं। साथ में उनका राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 1319 यहाँ पे पोस्ट रहेगी और 7900 यहाँ पे पेमेंट दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है समय अवधि जो रहेगा वो 31/7/2021 तक रहेगा। ठीक है, 21 तक मतलब 31 तारीख तक, जुलाई के 31 तारीख तक ही ये जो है संविदा बेस रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करें आवेदन की प्रक्रिया की। ठीक है, तो आवेदन प्रक्रिया के लिए क्या करना है आपको, 2 जून, इसका 2 जून जो है लास्ट डेट होने वाली है। 5 बजे शाम को पहले आपको क्या करना है, इस फॉर्म को भर देना है। अपना जितना भी सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे जाके, इसके ऑफिशियल साइट पे जाके www.bharatpur.rajasthan.gov.in पे वहाँ जाना है और आपको शाम को 5 बजे से पहले 2 तारीख को भर ही लेना है फॉर्म को। ठीक है, जितना भी दस्तावेज है उसको ऑनलाइन ही आपको अपडेट जो है अपलोड करना है। कोविड हेल्थ कंसल्टेंट की भी दी गई है, उनको 7 तारीख को यहाँ पे रहेगा। ठीक है, 7 से 8 से 10 जो रहेगा यहाँ तक उनका फॉर्म को भरने का जो है डेट है। यहाँ पे कुछ दिया भी गया, देख सकते हैं, उपरोक्त चयन प्रक्रिया के निम्नानुसार निर्धारित आरक्षण का लाभ दिए होगा, तथापि आरक्षित श्रेणी में कर्मी के आवेदन के अभाव में अथवा दस्तावेज सत्यापन के दौरान अयोग्य पाए जाने पर किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थी आवेदक को मेरिट के आधार पर चयन किया जा सकेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जितने भी आपका सर्टिफिकेट है सबको आपको जमा करना है ताकि जो भी अपडेट हो वो आप तक पहुँच सके। और यहाँ पे जो है परसेंटेज बेस जो यहाँ पे रहेगा तो आपको पूरी अपडेट यहाँ से मिल सके, प्लस आपका सलेक्शन हो सके। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कोविड सहायक स्वास्थ्य सहायक हेतु पद हेतु तो प्रथम वरीयता किसको दिया जाता है, BSc नर्सिंग डिग्री वाले को जो कि भरतपुर के निवासी हो। द्वितीय वरीयता जो है वो GNM डिप्लोमा वाले को दिया जाएगा जो कि भरतपुर के निवासी हो। तृतीय वरीयता जो है BSc नर्सिंग डिग्री धारक जो कि अभ्यर्थी भरतपुर के जिले में से या फिर अन्य जिले से हों। चतुर्थ वरीयता जो है GNM जो कि अन्य जिले से हों। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर वरीयता दिया जाएगा, मतलब प्रायोरिटी दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने पूरी अपडेट दी है, तो टोटल जो रहेगी यहाँ पे 1319 जो है पोस्ट रहेगी। तो ये थी पूरी अपडेट। अगर अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय।